अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मुदस्सर रशीद और आप देख रहे हैं टिप्स मुदस्सर। तो दोस्तों, आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज मैं आपको बताने के वाला हूँ कि आप अपने WhatsApp पर डिलीट शुदा मैसेज कैसे रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फ़ोटो हो। तो जो आपके देखने से पहले डिलीट हो चुकी है, आप उनको वापस कैसे ला सकते हैं। तो अक्सर हमारे जहन में ये तजस्सुस पैदा हो जाता है कि काश यार ये पिक्चर हम देख लेते, ये वीडियो हम देख लेते, ये मैसेज क्या था हम पढ़ लेते, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाते। तो आज आपकी यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वीडियो बनाई है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं हल छोटा सा टच अपने WhatsApp से ये करके दिखाता हूँ कि ये करना कैसे है। तो अपने मैं WhatsApp को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं अपने दूसरे WhatsApp पर कोई भी मैसेज सेंड करूँगा उसे डेल कर दूँगा, कोई भी पिक या वीडियो सेंड करूँगा उसे डेल कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हम कोई भी मैसेज कर लेते हैं टाइप और उसे सेंड कर देते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ से कोई पिक सेंड करते हैं, तो ये हमारी पिक हो गई, ये भी सेंड कर दी। उसके बाद कोई और मैसेज, उसके बाद कोई वीडियो कर लेते हैं। तो चलिए, हमारी ये वीडियो हो गई, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए। तो अब ये हमारा सब कुछ सेंड हो चुका है। तो अब इनमें से मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वापस कैसे आनी है। तो मैंने ये पिक भी डाल कर दी, ये मैसेज भी डाल कर दिया, उसके अलावा ये मैसेज भी, ये वीडियो भी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये चारों मैसेज हमारे पांच में से डिलीट हो चुके हैं। तो अब हम सिंपली चले जाते हैं अपने दूसरे WhatsApp में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारों मैसेज डिलीट हो चुके हैं, एक मैसेज जो हमने पहले टाइप किया था वो बाकी है। तो अब हमने इसे वापस कैसे लाना है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है दोस्तों। तो मैंने ये ऐप पहले से इंस्टॉल की हुई है, तो इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो ये देखें आप, यहाँ पर आपके सामने आपका सारा डाटा जो डेल हो चुका है वो आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारा सारा जो हम डाटा हमने डिलीट किया था हमारे पास आ चुका है। ये हमारी पिक, ये हमारे मैसेजेस और ये हमारी वीडियो, और ये साथ में टाइम भी दे रहा है किस टाइम पे हमने किए थे। तो यहाँ से आप इसे सिंपली ओपन भी कर सकते हैं। ये हमारी पिक थी, ओके, ये मैं इसे यहाँ से ओपन करूँगा तो ये ऑन हो जाएगी खुद ही। ये देखें आपके सामने ऑन हो गई। और इसके अलावा ये रहे हमारे दो मैसेजेस, साथ में टाइम भी शो हो रहा है कि किस टाइम पे हमने किए थे। और ये रही हमारी वीडियो, इसी तरह हम इसे भी ओपन करके यहाँ से प्ले कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप कोई भी मैसेज जो कि डल हो चुका है वापस ला के पढ़ सकते हैं, उसे रिकवर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसे करना कैसे है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन को करने के बाद कुछ इस तरह से उसका लोगो आपके सामने आएगा जो ही आप इसे ओपन करेंगे। तो कुछ इस तरह से उसका आ जाएगा आपके सामने इंटरफेस। तो यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, और इसे एक्सेप्ट करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि आप कौन कौन सी फाइल्स का डाटा रिकवर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर फेसबुक का करना चाहता हूँ, या जितने भी हमारे यहाँ पर ऐप हैं, हम इनमें से किसी ऐप का भी कोई भी मैसेज जो आए या कोई भी डाटा उसे रिकवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर कर दूँगा क्लिक और यहाँ से नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर यस है फाइल्स, और ये लोडिंग करने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने WhatsApp का किया, तो WhatsApp का यहाँ पर सारा डाटा आ जाएगा। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं है,
तो यहाँ पर ये दिस इज़ एम्प्टी। तो जो ही हम अपने व्हाट्सएप से जाके फिर से कोई मैसेज करेंगे तो फिर उसी तरह हमारी फाइल बन जाएंगी और हमारा डाटा जो भी डिलीट होगा वो सीधा इधर आ जाया करेगा। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, आप इसे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।